अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 टॉपिक नंबर 1 सब टॉपिक 4.1.7 अरेंजमेंट ऑफ पिगमेंट्स फोटो सिस्टम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर एफिशिएंट अब्सॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लाइट एनर्जी The photosynthetic pigments are embedded on the surface of thylakoid membrane where they are arranged in the form of clusters. These clusters of pigments are called photosystem. बच्चों, हमने पढ़ा है कि लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करने वाला जो भी मॉलिक्यूल है उसको हम पिगमेंट कहेंगे। अब ये जो पिगमेंट्स है ना, ये अरेंज हुए हुए होते हैं क्लस्टर की फॉर्म में। क्लस्टर कहते हैं ग्रुप की फॉर्म में। उस क्लस्टर को हम क्या कहते हैं? फोटोसिस्टम। कि जब बहुत सारे पिगमेंट्स आपस में ज्वाइन होकर एक क्लस्टर बना लेंगे उसको हम कहेंगे फोटोसिस्टम। ठीक है, कह रहा कि एफिशिएंट यानी अच्छी तरह एब्जॉर्प्शन और लाइट एनर्जी की यूटिलाइजेशन के लिए जो पिगमेंट्स हैं वो थैलाकोइड सरफेस मेम्ब्रेन पे एम्बेड हुए होते हैं। थैलाकोइड मेम्ब्रेन की सरफेस में एम्बेड हुए होते हैं, वहाँ पे वो अरेंज होते हैं क्लस्टर्स की फॉर्म में। ये जो क्लस्टर हैं पिगमेंट्स के, इनको हम फोटोसिस्टम कहते हैं। द पेरिफेरल पार्ट ऑफ फोटोसिस्टम इज कॉल्ड एंटीना कॉम्प्लेक्स विच कंसिस्ट ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट्स सच एज क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड। द सेंट्रल पार्ट ऑफ फोटोसिस्टम इज कॉल्ड रिएक्शन सेंटर विच कंटेन्स ऑली क्लोरोफिल ए एंड एसोसिएटेड प्रोटीन्स। बच्चों, ये जो हमारे पास एक क्लस्टर बनता है पिगमेंट्स का, इसको हम फोटोसिस्टम कहते हैं। अब इस फोटोसिस्टम के भी दो पार्ट्स हैं, एक सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, और एक कौन सा है? पेरिफेरल पार्ट है। कह रहे हैं जो पेरिफेरल पार्ट है ना फोटोसिस्टम का, उसको हम एंटीना कम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम एंटीना कम्प्लेक्स कह रहे हैं। और एंटीना कम्प्लेक्स में कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं? एक्सेसरी पिगमेंट्स, पीछे हमने पढ़े थे। एक्सेसरी पिगमेंट्स कौन से होते हैं? क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स। कह रहे हैं जो सेंट्रल पार्ट है उसको हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्शन सेंटर, विच कंटेन्स ऑन, जिसके पास सिर्फ क्लोरोफिल ए होता है और एसोसिएटेड प्रोटीन्स होती हैं। सिंस क्लोरोफिल ए जनरली हैज एन ऑप्टिमल अब्सॉर्प्शन वेवलेंथ ऑफ 660 नैनोमीटर, इट एसोसिएट्स विद डिफरेंट प्रोटीन्स इन ईच टाइप ऑफ फोटोसिस्टम टू स्लाइटली शिफ्ट टू इट्स ऑप्टिमल वेवलेंथ प्रोड्यूसिंग टू डिस्टिंक्ट फोटोसिस्टम टाइप्स आई फोटोसिस्टम 1 जिसको हम PS1 कहते हैं एंड फोटोसिस्टम 2 PS2। ये बच्चों अगर आप साइड पे देखें फिगर 4.5 में तो आपको फोटोसिस्टम का स्ट्रक्चर नजर आएगा। ये हमारे पास एक क्या है? फोटोसिस्टम है, ठीक है। अब आप देखें सेंटर में आपको नजर आ रहा होगा ये है रिएक्शन सेंटर। साइड पे ये जो ये एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। दो पार्ट होते हैं, एक जो पेरिफेरल पार्ट है उसको हम कहते हैं ये एंटीना कॉम्प्लेक्स है, जो सेंटर में है रिएक्शन सेंटर। और रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। मेनली जो रिएक्शन है वो रिएक्शन सेंटर में होता है, ठीक है। और जो साथ में है हमारे पास पेरिफेरल पार्ट जिसको हम एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं, उसमें हमारे पास एक्सेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं लाइक क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स, और वो क्या करते हैं? लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं और उसको क्लोरोफिल ए को फिर ट्रांसफर कर देते हैं, यानी रिएक्शन सेंटर में भेज देते हैं। वहां पे वो उसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो फोटोसिस्टम है दो तरह के होते हैं, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। द क्लोरोफिल ए इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 कैन अब्सॉर्ब मैक्सिमम 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट, हेंस कॉल्ड P700। कह रहा है कि जो फोटोसिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है वो मैक्सिमम लाइट अब्सॉर्ब कर सकता है 700 नैनोमीटर की, इसलिए इसको हम P700 या फोटोसिस्टम 700 भी कहते हैं। सिमिलरली जो क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट होता है वो अब्सॉर्ब कर सकता है मैक्सिमम लाइट ऑफ 680 नैनोमीटर वेवलेंथ, ठीक है, इसलिए इसको हम P680 कहते हैं। द फोटोसिस्टम्स आर नेम्ड फॉर द ऑर्डर इन विच दे वर डिस्कवर्ड एंड नॉट फॉर द ऑर्डर इन विच दे अकर इन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन। कह रहे हैं ये जो फोटोसिस्टम्स को हमने नाम दिया है PS1 एंड PS2,
कह रहे ये इस ऑर्डर में दिया गया जिसमें वो डिस्कवर हुए, कि जो पहले डिस्कवर हुआ था उसको PS1, बाद में जो बाद में उसको PS2, ठीक है। एस क्लोरोफिल ए कैन ऑनली अब्सॉर्ब लाइट ऑफ अ नैरो वेवलेंथ, इट वर्क्स विद पिगमेंट्स ऑफ एंटीना कॉम्प्लेक्स टू गेन एनर्जी फ्रॉम अ लार्जर पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम। कह रहा है क्लोरोफिल ए जो होता है वो तो सिर्फ एक नैरो वेवलेंथ की लाइट को अब्सॉर्ब कर सकता है, तो ये बाकी भी पिगमेंट्स जो होते हैं ना एंटीना कॉम्प्लेक्स के, उनके साथ भी काम करता है कि ताकि एनर्जी ले सके एक लार्ज पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम की। पिगमेंट्स अब्सॉर्ब लाइट ऑफ वेरियस वेवलेंथ एंड पास ऑन देयर गेन एनर्जी टू क्लोरोफिल ए ऑफ फ्रैक्शन सेंटर। कह रहा है ये जो पिगमेंट्स हैं, एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं या पिगमेंट्स हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स के, ये लाइट एनर्जी ऑफ वेरियस वेवलेंथ को क्या करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं, उसके बाद ये जो गेन्ड एनर्जी है इसको पास कर देते हैं क्लोरोफिल ए के पास। व्हेन द एनर्जी रीच क्लोरोफिल ए इट्स इलेक्ट्रॉन्स बिकम सो एक्साइटेड ड्यू टू हाई एनर्जी दैट दे एस्केप एंड इज एक्सेप्टेड बाय फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ अ नियर बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विच इज इवन हाई एनर्जी एंड लार्जर देन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्या है कि ये जब एनर्जी क्लोरोफिल ले के पास पहुंचती है उसके इलेक्ट्रॉन इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो इस हाई एनर्जी की वजह से कि वो एस्केप कर जाते हैं और एक्सेप्टेड बाय फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ नियर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कि जो भी नियर बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है वो उनको क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा। इन दिस वे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बिकम्स ऑक्सीडाइज। ये आप देखें क्लोरोफिल पहले रिड्यूस फॉर्म में था, जब लाइट एनर्जी आई तो वो क्लोरोफिल ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, प्लस उसने क्या कर दिया इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दी। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन जनरेशन ऑफ एटीपी बाय कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। कह रहा है ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है या सिस्टम होता है ये एक इंपॉर्टेंट रोल करता है एटीपी की जनरेशन में बाय कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बच्चों ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, के ओवरऑल क्या मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस का या क्या प्रोसेस है। ये बच्चों आपने गौर से सुनना है, इसे इतना समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू फेजेस। कह रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इसको दो फेजेस में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट फेज इज कॉल्ड लाइट डिपेंडेंट फेज और लाइट रिएक्शन बिकॉज इट कैन टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। कह रहे कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इसको हम दो फेजेस में डिवाइड करते हैं। जो पहली फेज है उसको हम लाइट डिपेंडेंट फेज कहते हैं या लाइट रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, कि जब सनलाइट प्रेजेंट होगी तब ये जो रिएक्शन होगा, इसलिए इसको हम लाइट डिपेंडेंट फेज या लाइट रिएक्शन कहते हैं। द लाइट डिपेंडेंट फेज अकर इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, और ये कहाँ पे होता है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में। इन दिस फेज लाइट एनर्जी इज यूज टू मेक एटीपी एसिमिलेटिंग पावर एंड एनएडीपीएच रिड्यूसिंग पावर, वेयर एज वाटर एंड ऑक्सीजन आर सपोज टू बी इनपुट एंड आउटपुट रिस्पेक्टिवली। इस फेज में क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी है वो यूज होती है क्या बनाने के लिए, एटीपी और एनएडीपीएच बनाने के लिए। द सेकेंड फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड लाइट इंडिपेंडेंट फेज और डार्क रिएक्शन बिकॉज इट कैन टेक प्लेस वेदर लाइट इज प्रेजेंट और नॉट। जो दूसरी फेज है उसको हम लाइट इंडिपेंडेंट फेज कहते हैं क्योंकि वो लाइट पे डिपेंड नहीं करती, उसको डार्क रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि वो जो होती है हो सकती है बिकॉज इट कैन टेक प्लेस वेदर लाइट के, वो हो सकती है लाइट प्रेजेंट हो या नहीं, वो डार्क में भी हो सकती है, इसलिए उसको हम लाइट इंडिपेंडेंट फेज कहते हैं क्योंकि वो लाइट पे डिपेंड नहीं कर रही, और डार्क रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि वो डार्क में भी होता है। दिस फेज एक्चुअली रिक्वायर्स द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन आई एटीपी एंड एनएडीपीएच। कह रहा है कि ये जो फेज है इसको जो लाइट रिएक्शन है उसके जो प्रोडक्ट्स बने थे यानी उसमें जो एटीपी और एनएडीपीएच पिए थे वो रिक्वायर्ड होते हैं। सिंस दिस प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन द डे देयरफॉर डार्क रिएक्शन आल्सो अकर इन डे। कह रहा है क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये तो डे टाइम में डे में अवेलेबल होते हैं, सो ये डार्क रिएक्शन है ये डे टाइम में भी हो सकते हैं, ठीक है, ये सिर्फ रात में नहीं होते, डे टाइम में भी हो सकते हैं। इन दिस फेज CO2 एक्ट्स एज इनपुट विच इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसरएल्डिहाइड 3-फॉस्फेट G3B द आउटपुट ऑफ दिस फेज। कह रहा है इस फेज में क्या होता है कि जो CO2 है वो इनपुट के तौर पर काम करता है और कन्वर्ट हो जाता है G3P में, G फॉर ग्लिसरएल्डिहाइड 3P फॉर फॉस्फेट, G3P में कन्वर्ट हो जाता है। The ATP is hydrolyzed to ADP, जो ATP है वो हाइड्रोलाइज होके ADP में कन्वर्ट हो जाता है।
एनपीआई यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड इट्स एनर्जी इज इनकॉर्पोरेटेड इन दिस फेज, वेयर एज एनएडीपीएच प्रोवाइड्स एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जी3पी व्हिच इज एन एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। बच्चों ये देखें, ये है फिगर 4.6, साइड में आपको नजर आ रही होगी, एन ओवरव्यू ऑफ फोटोसिंथेसिस दिया हुआ है। सबसे पहले अगर आप देखें हमारे पास क्या है, लाइट रिएक्शंस है, ठीक है। लाइट रिएक्शंस में क्या हो रहा है कि ये इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ही होते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि वाटर इनपुट के तौर पे यूज हो रहा है और सनलाइट यूज हो रही है। फोटो सिस्टम टू पे जब लाइट जाती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में चले जाते हैं, वहां से फोटो सिस्टम वन के पास जाते हैं और ये सब थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में हो रहा है, ठीक है। वहां से हमारे पास एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स ये देखें एटीपी और एनएडीपीएच बने। फिर दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाता है डार्क रिएक्शन, जिसका मेन फेज है जिसको हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, केल्विन साइकिल CO2 को यूज करता है एज इनपुट और एटीपी और एनएडीपीएच को यूज करता है और क्या बना देता है, ग्लूकोज यानी शुगर्स बना देता है। उसके अलावा एटीपी को कन्वर्ट कर देता है एडीपी में, ठीक है। एडीनो ट्राइफॉस्फेट जो है एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है एडीनोसिन डाइफॉस्फेट में और एक फॉस्फेट जो है वो रिलीज हो जाता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्म में, ठीक है। तो ये है लाइट रिएक्शन और ये डार्क रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।